चैनल स्नो वाइट की कहानी। बौनों की जादुई शक्ति से बेबी हेजल महारानी की कोख में समा गई। तुम्हारा स्वागत है मेरी राजकुमारी। इसका नाम क्या रखे? मेरी प्यारी बेटी, हम इसे स्नो वाइट बुलाएंगे। दिन बीतते गए, स्नो वाइट प्यारी और शरारती बच्ची बन गई। पिताजी, क्या हम भी उत्सव में जा सकते हैं? हाँ, जरूर जाएंगे। स्नो वाइट की इच्छा के अनुसार महाराज उसे मेले में ले गए। दुष्ट जादूगरनी ने जादुई शक्ति से सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। ओह, ये दुकान भी आपकी ही है? महाराज जादूगरनी के जाल में पूरी तरह फंस गए। मेरी प्यारी बच्ची, तुम भूल गई इनसे हम उत्सव में मिले थे और ये अब तुम्हारी सौतेली माँ है। तुम घबराओ मत, ये तुमसे बहुत लाड़ और प्यार करेगी। कैसा लग रहा है स्नो वाइट की माँ? वाह, कितनी खूबसूरत है ये। ये मेरी प्यारी राजकुमारी स्नो वाइट है। वाह, कितनी खूबसूरत है ये। दुष्ट जादूगरनी को स्नो वाइट की सुंदरता बहुत खटकती थी। रानी साहिबा, आप बहुत सुंदर हैं, पर अब स्नो वाइट की सुंदरता आपसे बहुत बढ़कर है। जादुई शीशे की बात सुनकर दुष्ट रानी गुस्से से लाल हो गई। जेफरी, ध्यान से सुनो मेरी बात, तुम्हें स्नो वाइट को गहरी नींद में सुलाना है और हाँ, इस बात का मुझे सबूत चाहिए। क्या? मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। राजकुमारी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने राज्य को छोड़कर कहीं दूर चली जाइए, यहाँ से भाग जाइए, भागिए। आखिरकार स्नो वाइट घबरा कर राज्य से दूर चली गई। अब देखिए आगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है पिंजरा खोलने की? मासूम जानवरों को इस तरह कैद नहीं करना चाहिए। स्नो वाइट अपने नन्हे दोस्त को न पाकर घबरा गई। स्क्वीरी कहाँ चली गई है?
तुम जाओ और अपने दोस्तों को ढूंढो, इसे तो मैं देखता हूँ। चलो दोस्तों स्क्वीरी को ढूंढते हैं। कैसे हो मेरे नन्हे प्यारे दोस्त? हमें अंदर जाकर देखना चाहिए, स्क्वीरी वही होगी। स्नो व्हाइट अंदर दाखिल हुई और देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये छोटा सा घर बाहर से सुंदर और अंदर से काफी गंदा था। उफ, कितनी सारी धोने वाली प्लेट्स पड़ी है। हाँ, कितने छोटे बिस्तर हैं? 7 बिस्तर, 7 प्लेटें और 7 कुर्सियाँ। पता नहीं कौन रहता होगा इस घर में। कितनी धूल मिट्टी है यहाँ, चलो इसे साफ करते हैं। बहुत थक गई हूँ मैं। शुक्रिया स्क्वीरी। कौन है ये लड़की? ये यहाँ पर कैसे आई? ये हमारे बिस्तर पर क्यों सोई है? पर ये कितने सुंदर है। देखो देखो, उसने हमारा घर भी साफ कर दिया है। हाँ, अब हमारा घर सुंदर लग रहा है। बच्ची कौन हो तुम? हमारे घर में क्या कर रहे हो? मैं हूँ स्नो व्हाइट। मेरी सौतेली माँ मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती थी, इसलिए राज्य छोड़कर मैं जंगल में आश्रय की तलाश में आ पहुँची। कोई बात नहीं, तुम जितना चाहो उतना यहाँ पे रहो। हाँ क्यों नहीं, पर इसके लिए तुम्हें हमारे लिए रोज स्वादिष्ट खाना बनाना पड़ेगा। मैं खुशी से आप सबके लिए खाना बनाऊंगी। आप सबको मेरा नाम तो पता है, पर आप सबका नाम क्या है? मेरा नाम है ग्लटी। मैं हूँ टेस्टे। मैं ट्राउजी हूँ। मैं हूँ विटी। मैं हूँ बिट्सी और ये है इट्सी। नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ बिट्सी और ये है इट्सी। छोड़ो उनको, मैं हूँ टिंगसी। स्नो व्हाइट ने खुशी खुशी अपने नए दोस्तों के लिए लजीज खाना भी बना लिया। खाना तैयार है। ब्लडी रुको, हम प्रार्थना करना भूल गए। हाँ, हाँ, हाँ। Sorry. कितना स्वादिष्ट खाना है।
उधर राजमहल में जादूगर की रानी अपने आप को शीशे में निहार रही थी कि तभी जेफरी वहां पे आ पहुंचा। महारानी, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने स्नो व्हाइट को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया है। ए जादुई शीशे, बता कौन है सबसे खूबसूरत? रानी साहिबा, आप बहुत सुंदर हैं, मगर वनों के घर रहने वाली स्नो व्हाइट की सुंदरता आपसे बहुत बेहतर है। तुमने मुझसे झूठ बोला। एक गहरी नींद में सोने के लिए तैयार हो जाओ स्नो व्हाइट। याद आती है पिताजी। क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं। स्नो व्हाइट और प्रिंस एक दूसरे का हाथ पकड़े बड़े ही प्यार से झूला झूल रहे थे। तुम कितनी सुंदर हो। मुझे जाना होगा। रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारी सुंदरता ने मुझे बहुत ही मोहित कर दिया है। क्या तुम मेरी रानी बनना पसंद करोगी? मुझे बहुत खुशी होगी। Lavender blue, dilly dilly, lavender green. I am your king, dilly dilly, you are my queen.
Lavender green, dilly dilly, lavender blue. You are my love, dilly dilly, oh I love you, oh I love you, oh I love you. राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है। ठीक है स्नो वाइट, मुझे जाना होगा। जंगल के सारे जानवर घर के पास आराम कर रहे थे, तभी एक तेज हवा के साथ उड़ने वाली छिपकली पर सवार होकर जादूगरनी वहां पहुंच गई। क्या कोई इस बूढ़ी औरत को एक ग्लास पानी दे सकता है? मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, पास के जंगल में ही रहती हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे एक ग्लास पानी दे सकती हो? हाँ जरूर। शुक्रिया बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मुझे ये एहसान चुकाना होगा। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? ले लो बेटी, ये सेब बहुत ही मीठा है। नन्हे दोस्त? हाँ हाँ वो ठीक है, ये लो तुम दूसरा सेब खा लो। जैसे ही स्नो वाइट ने सेब खाया वो बेहोश होने लगी। अब मुझसे ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं है। क्या हुआ है इसे? हे ईश्वर, अब स्नो वाइट कभी भी नहीं उठेगी। चलो स्नो वाइट को शीशे के पेड़ पे सुलाते हैं, वो उसमें बहुत सुरक्षित रहेगी। बोनो ने स्नो वाइट को शीशे के बेड पे लेटा दिया। वो बहुत ही दुखी थे और उसके पास बैठे रो रहे थे। ये यहाँ क्या चल रहा है? राजकुमार, जादूगर रानी ने स्नो वाइट को नुकसान पहुंचा ही दिया। अरे ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता।
स्नो व्हाइट, जाग जा। तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। ये क्या है? ये जादुई सेब है, मुझे पता है ये कहां से आया है। स्नो व्हाइट को नींद से जगाने का मेरे पास एक अच्छा तरीका है। प्रिंस बहुत ही उदास थे। वो चुपचाप बड़ी ही उम्मीद के साथ बौनों की तरफ देख रहे थे। प्यार के साथ इस दिल को चूमो, स्नो व्हाइट पुनर्जीवित हो जाएगी। स्नो व्हाइट, तुम्हें क्या हुआ था? क्या तुम्हें कुछ याद है? मुझे याद है, मेरी सौतेली माँ ने मुझे धोखा दिया और मुझे जादुई सेब खिलाया। तुम्हारी सौतेली माँ को उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा स्नो व्हाइट। बाहर राजमहल में महाराज अपनी प्यारी बेटी के लिए बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि बहुत दिन बीत जाने के बाद भी स्नो व्हाइट की कोई भी खबर नहीं थी। मेरे बेटी के बारे में कुछ पता चला? नहीं महाराज, हमने राजकुमारी को पूरे राज्य में ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। महाराज, हम दोनों जादूगर हैं और हम बहुत दूर से आए हैं। महाराज ने सोचा कि क्या पता इनके जादू से उनके बेटी के बारे में कुछ पता चल जाए। अरे वाह, चलो देखते हैं तुम्हारे जादू का कमाल। महाराज, हम जानते हैं महारानी सौंदर्यता के लिए हमेशा उत्सुक होती हैं। हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही। हे महान राजा, ये तो सिर्फ छोटा सा नमूना था। हमारी जादू सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है, जिसे देखकर आप हमें जरूर इनाम देंगे। महाराज, क्या हम इनका अद्भुत जादू देख सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। धन्यवाद, चलो तुम्हारा जादू देखते हैं। जी बिल्कुल रानी साहिबा। राजा और रानी अपनी शाही बग्घी में बैठकर दोनों जादूगरों के साथ खुले मैदान की तरफ रवाना हो गए। हे महारानी, आप अपना घूंघट हटा लीजिए, नहीं तो जादू काम नहीं करेगा। जाने दो उसे महारानी, हम दोनों जादू शुरू करते हैं। हाँ।
तुम दोनों ने मेरी रानी को क्या बना दिया है? पिताजी, ये जादू करती है और मुझे हानि पहुंचाना चाहती थी। ये जादू मिश्रण उसे सुंदर बना के इसका असली चेहरा छुपाता है। नहीं! आखिरकार जादूगरनी को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल गई। उसके जादू का असर खत्म हो गया और असली रानी को भी बचा लिया गया। स्नो वाइट की माँ अपने असली रूप में आ गई। वो अपनी माँ को पाकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अंत में वो दिन आ गया जब राजकुमार ने स्नो वाइट के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। स्नो वाइट ने खुशी खुशी राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और पूरे धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया। Lavender blue, dilly dilly, lavender green. I am your king, dilly dilly, you are my queen. Lavender green, dilly dilly, lavender blue. You are my love, dilly dilly, oh I love you, oh I love you, oh I love you. दोस्तों, आज सुनते हैं एक प्यारी सी लड़की की कहानी जिसका नाम था ब्यूटी। उसकी दो बहनें थी जो हमेशा झगड़ती रहती थी। ब्यूटी के पिता, जो कि एक व्यापारी थे, जब अपनी यात्रा से वापस आए तो सभी लड़कियों ने उनका प्यार से स्वागत किया। ये तोहफे तुम दोनों के लिए है मेरी प्यारी बच्चियों, और ये फूलों का गुलदस्ता ब्यूटी के लिए। धन्यवाद पिताजी। एक दिन व्यापारी किनारे पे खड़ा अपने जहाज की प्रतीक्षा कर रहा था। पर समंदर की एक बड़ी सी लहर ने उसका जहाज डुबो दिया, जिसमें वो अपनी सारी संपत्ति खो बैठा। निराश व्यापारी अपने घर की ओर जा रहा था, पर अचानक से रास्ता भटक गया। चलते चलते वो एक बड़े से महल के पास आ पहुंचा। महल का दरवाजा जादुई था, पर उसने व्यापारी को अंदर जाने की इजाजत दे दी और व्यापारी खुशी खुशी अंदर चला गया। व्यापारी दावत देखकर खुश हो गया था, पर वो दावत एक भूत, बिल्ली और चूहे ने बनवाई थी। ये देखकर व्यापारी डर गया। भागते भागते व्यापारी महल के मालिक बीस से टकरा गया। उसे घबराया देख बीस ने कहा, घबराए नहीं, आइए भोजन करते।
बीस्ट असल में एक खूबसूरत राजकुमार था जिसे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था, जिस वजह से वो इतना बदसूरत और डरावना हो गया था। एक सच्ची और गहरी दोस्ती ही उसे इस श्राप से मुक्त कर सकती थी। व्यापारी दूसरे दिन घर जाने के लिए महल से निकल रहा था। जाते जाते उसने प्यारे से गुलाब को हाथ लगाया, जिस वजह से बीस्ट उस पर आग बबूला हो गया। मेरे गुलाब को छूने की गुस्ताखी, जाओ अपने परिवार को अलविदा कहकर आओ। अगर तुम नहीं आए तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। व्यापारी ने घर पहुंचकर अपनी बेटियों को बीस्ट की चेतावनी के बारे में बताया। सब डर गए, पर ब्यूटी सबसे ज्यादा परेशान हो गई थी। ब्यूटी ने ठान लिया था कि बीस्ट का सामना वो अकेली ही करेगी, भले ही बीस्ट कितना भी डरावना क्यों ना हो। ब्यूटी जैसे ही महल पहुंची, उसने सबसे दोस्ती कर ली। पर बीस्ट ने उससे कोई बात नहीं की और गुस्से में वहां से निकल गया। आखिरकार ब्यूटी ने अपनी मासूमियत से बीस्ट का दिल जीत ही लिया और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। श्राप की वजह से बीस्ट की तबीयत एकाएक खराब हो गई थी, पर ब्यूटी ने उसकी अच्छे से देखभाल की। आखिरकार सच्ची दोस्ती जीत ही गई और जादू का असर खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्यूटी और बीस्ट की।